चलिए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और खबर को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अब रात 9 बजे बाद लीजिए श्री कृष्ण लीलाओं का आनंद। बढ़ाया गया परिसर में प्रवेश का समय। भाजपा नेता को मारा गया, पुलिस ने 25 से अधिक लोगों से की पूछताछ। ब्लॉक प्रमुख का बेटा हिरासत में, अहम सुराग मिले। ज्ञानवापी परिसर में 8वें दिन भी एसआई सर्वे। निर्माण शैली व अन्य कलाकृतियां कैमरे में कैद। सीएम योगी के हमशक्ल सपा नेता सुरेश ठाकुर की हृदय गति रुकने से आज चल बसे। 13 दिन पहले दो युवकों से हुई थी मारपीट। खुशखबरी, 15 अगस्त को लखनऊ के मल्टीप्लेक्सों में फ्री में दिखाई जाएंगी देशभक्ति की फिल्में, जानिए शो टाइम। अच्छी खबर, अलीगढ़ को 10 और नई ई बसें मिलेंगी। अतरौली, इगलास, गभाना एवं खैर तक चलाने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में गदर 2 देखने को उमड़ी भीड़। पहले दिन के सभी 7 शो हुए हाउसफुल, अब पुलिस रही मुस्तैद। यूपी विधानसभा में सीएम योगी बोले, भतीजों को कुछ सिखाइए। शिवपाल ने कहा कि हमने ही तो इंजीनियर और सीएम बनाया। लखनऊ में डेंगू को लेकर अलर्ट में आया प्रशासन। रिजर्व हुए अस्पतालों में बेड, बढ़ी दवाओं पर निगरानी। जनेश्वर मिश्र पार्क, अब लखनऊ में लीजिए स्केटिंग फील्ड और जुरासिक पार्क का मजा। 18 करोड़ का है प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर की होने जा रही पाकिस्तान वापसी। कट गया टिकट, अब सचिन का क्या होगा। मामू मैं आ रहा हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को मिली धमकी। पाकिस्तान के नंबर से आई कॉल। सुप्रीम कोर्ट से निखत बानों को मिली राहत। पति अब्बास अंसारी से गैर कानूनी तरीके से जेल में मिलने का था आरोप। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मिलेगा शिक्षकों के समान वेतन। विधान परिषद में सरकार ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में न 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। आ गया मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। अनोखी खगोलीय घटना देखने का मौका। कल रात आसमान से बरसेंगे सितारे। खुली आंखों से हर घंटे दिख सकेंगे 100 से 150 टूटते तारे। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर यूपी विधानसभा में होगी बहस। सीएम योगी बोले, 36 घंटे का होगा विशेष सत्र। हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले पूरा देश। यहां अपलोड करें सेल्फी, पीएम मोदी की अपील। 2 महीने बाद आएगी तो निकाल लेंगे उसकी खाल। अंजू को पति अरविंद ने दी खुली चेतावनी। जितनी जल्दी हो सके यह अफ्रीकी देश छोड़ दो, भारत ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। पुलिस या प्रशासन की मिली भगत से हुई अति की अत्यास। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल। 70 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, नेपाल से आ रही है राहत की खेप। प्याज की कीमतें न निकाले लोगों के आंसू। सरकार लेने जा रही है यह बड़ा फैसला। सीएम की बड़ी सौगात, 2000 रुपए बढ़ गई किसान सम्मान निधि की राशि। पंचायत सचिवों के लिए भी खुशखबरी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जियो का खास ऑफर। एक रिचार्ज में 365 दिन तक मिलेगा सब कुछ। चलिए एक एक करके जो भी बड़ी खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी एक लाइक कर दे और खबर को पूरा आखिर तक देख ले। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने जिले या गांव का नाम जरूर बताएं। जी हाँ, बता दें कि अब रात 9 बजे के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाले लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले सकेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया था, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश के समय की पाबंदियों के कारण शो कुछ ही लोगों तक सीमित होकर रह गया। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, सीईओ नगेंद्र प्रताप, जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और संबंधित पुलिस अधिकारियों की बैठक की। इसमें सहमति बनी कि जन्मस्थान में श्रद्धालुओं को प्रवेश रात 9 बजे तक सीमित न करते हुए 9:30 बजे तक बढ़ा दिया जाए। इस पर सभी ने सहमति जताई है। सीएम योगी के हमशक्ल सपा नेता सुरेश ठाकुर, हृदय गति रुकने से चल बसे। 13 दिन पहले दो युवकों से हुई थी मारपीट। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नजदीकी और पार्टी के प्रचारक का चल बसे ही। बता दें कि चल बसने वाले के पत्नी ने 13 दिन पहले गांव के ही दो युवकों से मारपीट में चोटें आने से चल बसने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने से चल बसने की पुष्टि हुई है। सपा जिला अध्यक्ष ने परिजनों को सांत्वना दी है और पूर्व मुख्यमंत्री से फोन पर बात कराई। बड़ी खुशखबरी, 15 अगस्त को लखनऊ के मल्टीप्लेक्सों में फ्री में दिखाई जाएंगी देशभक्ति फिल्में, जानिए शो की टाइमिंग। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति वाली फिल्में भाग, मिल्खा भाग और IB 71 का 14 स्क्रीन में मुफ्त प्रदर्शन किया जाएगा।
बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों के मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन पर जिला प्रशासन ने यह इंतजाम किया है। फिल्मों का प्रदर्शन निःशुल्क रहेगा और टिकटों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को 10 और नई बसें मिली। अतरौली, इगलास, गभाना एवं खैर तक चलाने का प्रस्ताव। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महानगर में संचालित इस बस सेवा में 10 और नई बसें जोड़ी जाएंगी। इन बसों को तहसील मुख्यालय से संचालित करने की योजना है। कमिश्नर की अध्यक्षता वाले बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव मंजूर के लिए रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोडवेज अफसरों ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील अतरौली, इगलास, गभाना एवं खैर तक बसें संचालित करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में महानगर में 6 अलग अलग मार्गों पर ई बसों का संचालन किया जा रहा है। करीब 6 महीने पहले गभाना से जिला मुख्यालय तक ई बसों का संचालन करवाया गया था। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, डेंगू को लेकर अलर्ट में आया प्रशासन। रिजर्व हुए अस्पतालों में बेड, बढ़ी दवाओं पर निगरानी। जी हां, बता दें कि शहर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। अफसरों का कहना है कि कुछ अस्पतालों में डेंगू के इलाजा जांच की भी सुविधा है। सीमा हैदर की होने जा रही पाकिस्तान वापसी, कट गया टिकट, अब सचिन का क्या होगा। जी हां, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भागकर भारत आ चुकी है। बीते कई दिनों से वह सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा स्थित उसके गांव में रह रही है। इस बीच सीमा और सचिन की स्टोरी को लेकर भी फिल्म बन रही है। दोनों पर फिल्म बनाने वाले अमित जानी हैं, जिनको हाल ही में धमकी भी दी गई। अब समाजवादी पार्टी के एक नेता ठाकुर अभिषेक सोम ने सीमा हैदर और अमित जानी का पाकिस्तान वापसी का टिकट कटवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि यदि सीमा सचिन की जिंदगी से चली जाती है तो सचिन का क्या होगा। दरअसल अभिषेक सोम ने सीमा व अमित का मुंबई से कराची का टिकट कराते हुए 2 टिकटों की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अभिषेक ने लिखा है कि देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, अपनी हीरोइन लेकर पाकिस्तान चले जाइए। अमित जानी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बवाल को खड़ा करना चाहता है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बता दें। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट से निखत बानों को मिली राहत। पति अब्बास अंसारी से गैर कानूनी तरीके से जेल में मिलने का था आरोप। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानों को जमानत दे दी है। शायद आपको याद हो कि बानों को जेल में अपने पति के साथ कथित गैर कानूनी मुलाकात के लिए गिरफ्तार किया गया था। शिक्षा मित्रों को मिलेगा शिक्षकों के समान वेतन, विधान परिषद में सरकार ने दिया यह जवाब। जी हां, शिक्षा मित्रों अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित हैं। चुनाव के दौरान उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। इस बीच आज एक बार फिर शिक्षा मित्रों का मामला विधान परिषद में उठा। इस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एक शर्त भिन्न है। वहीं विधान परिषद में सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ाने की भी कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, आ गया मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि जिन राज्यों में बारिश नहीं हो रही है उसके लिए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 1 हफ्ते के बाद मानसून की स्थिति में सुधार होगा। हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले पूरा देश, यहां अपलोड करे सेल्फी पीएम मोदी की अपील। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के इस साल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने भारतीयों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने का भी आग्रह किया। 2 महीने बाद आएगी तो निकाल लेंगे उसकी खाल, अंजू को पति अरविंद ने दी खुली चेतावनी। जी हां, पिछले महीने चोरी छिपे पाकिस्तान गई अंजू को उसके भारतीय पति अरविंद ने खुली चेतावनी दी है। उसने कहा है कि जब वह 2 महीने बाद आएगी तो उसकी खाल निकाल लेंगे। अरविंद ने खुफिया कैमरे के सामने यह सब बातें कही। उसने बताया कि उसके बच्चे माँ अंजू को रखने के लिए मना कर रहे हैं। उसे अपने बच्चों के लिए दर्द तक नहीं है। अगर उसे बच्चों से प्यार होता तो वह भागकर बहुत पहले ही आ जाती। आज तक के खुफिया कैमरे पर बात करते हुए अरविंद ने कहा कि अगर अंजू के भीतर बच्चों को लेने की हिम्मत है तो उसे भारत आकर दिखाना होगा। यह उसे और नसरुल्ला को मीडिया के जरिए बोल दिया है। उसे आगे कहा कि जब भी बीच बीच में न्यूज आती है तो हालत गुम हो जाती है।
जितनी जल्दी हो सके अफ्रीकी देश छोड़ दो, भारत ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। यह अफ्रीकी देश में दखलापट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर उन भारतीय नागरिकों से जल्द देश छोड़ने को कहा है जो वहां मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नाइजर की। भारत ने नाइजर में व्यापक बवाल मद्देनजर वहां रहने वाले अपने नागरिकों को उस देश को छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि जिन भारतीयों को नाइजर में रहना जरूरी नहीं है उन्हें जल्द से जल्द वह देश छोड़ देना चाहिए। प्याज की कीमतें न निकाले लोगों के आंसू, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जी हां, देश भर में इस समय टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार की तरफ से लगातार कीमतों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तो नेपाल से बड़ी खेप भी यूपी में दाखिल होने वाली है। टमाटर की तरह प्याज की कीमतें भी ना बढ़ जाएं, इसलिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्याज का स्टॉक आने वाले हफ्तों में रिलीज कर सकती है। ऐसे में प्याज का स्टॉक घटने से कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के पास करीब 30 लाख टन का स्टॉक। सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 2000 रुपए बढ़ गई किसान सम्मान निधि की राशि, पंचायत सचिवों के लिए भी खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। आज कैबिनेट बैठक के बाद किसान सम्मान निधि की राशि 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही पंचायत सचिवों के लिए 7वें वेतन आयोग की मंजूरी भी दी गई है। क्या आप भी चाहते हैं कि यूपी में सम्मान निधि 4 से 6 हो? कमेंट में जरूर बताएं।